नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ हरियाणा की बात सबके साथ में। और आज मेरे साथ हैं नेल आर्टिस्ट हिना जी। तो हिना जी से आज मैं आपको मिलवाऊंगा कि करनाल में लास्ट 5 to 6 ईयर से नेल आर्ट की जो सर्विस है, और बहुत अच्छी सर्विस है बेसिकली, वो प्रोवाइड कर रही हैं। और हिना जी का बहुत अच्छा नाम है करनाल में। जब मैंने करनाल में पता किया कि नेल आर्ट में सबसे बेस्ट कौन कर रहा है, तो इनका ही नाम आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी मिलवाऊं, और इनसे बहुत सारी डिटेल में जानकारियां हम नेल आर्ट के बारे में भी लेंगे और इनकी लाइफ के बारे में भी लेंगे कि यहाँ तक का जो संघर्ष जो बीच में रहा है इस दौरान 5-6 साल में, तो वो कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची है। तो इनसे हम जरूर बातचीत करते हैं और इनसे सब कुछ जानेंगे। वेलकम मैम, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिना है और हम बेसिकली 5-6 ईयर से यहाँ नेल स्टूडियो चला रहे हैं। और ये नेल स्टूडियो हमारा मेन कुंजपुर रोड नेल दयाल टावर न्यू सुविधा यहाँ पे है। जैसे कि आपने बताया कि ये कुंजपुर रोड के पास बिल्कुल है और काफ़ी साल से आप चला भी रही हैं। आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि जब आपने सीखना शुरू किया था, और जैसे कि आप बता रही हैं पिछले 5-6 साल से आप करें, तो उस टाइम पे शायद नेल आर्ट का उतना बड़ा स्कोप नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने ये स्टार्ट करा था ना, बेसिकली पहले मैं दिल्ली में थी, वहाँ से ही मैं यहाँ पर ले गई, क्योंकि मुझे मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ स्कोप नहीं है नेल आर्ट का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूँ। तो मैंने वहाँ से कोर्स करा, फिर मैंने यहाँ पे अपना सेटअप बनाया। जैसे ही मैंने सेटअप बनाया, बिल्कुल भी स्कोप नहीं था। इवन मैं घर जाके बोलती थी अपनी मम्मा को कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं मुझे नहीं जाना, स्टूडियो बंद कर दो। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम जाओ तुम जाओ। तो वैसे ही बस कॉन्टिन्यू चलता आया। लास्ट 3 ईयर से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया नेल स्टूडियो। हाँ, और टचवुड अब तो बहुत ज़्यादा ही नाम हो गया कि नहीं बस अब इवन आप मानोगे कि ब्राइडल से पहले लोग नेल स्टूडियो की बुकिंग करवाने के लिए आते हैं। जब आपने जैसे कि बताया कि बीच में स्टार्टिंग के दौर में ऐसा बिल्कुल था कि वो रनिंग में नहीं था, नहीं था। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि फील्ड चेंज कर देते हैं, क्योंकि फील्ड चेंज करने की नहीं सोचा, क्योंकि सोचा यही था कि नहीं बस इसी को ही कंटिन्यू करना है। और स्टार्टिंग से यही मन में था कि नहीं कुछ अपना ही करना है और करना यही है। जब एक फील्ड पकड़ लिया तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए ना, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। एक को छोड़ के दूसरा चीज पकड़ोगे तो कामयाब हो ही नहीं सकते आप। तो मैंने इसी दिल्ली भी गए, तो दिल्ली में सबसे पहले कोर्स करने के लिए गए थे या कुछ और भी चीजें ट्राई किए थे? नहीं, पहले थी कि जॉब में था, थोड़ा मॉडलिंग लाइन में था, फिर वहां से आने के बाद फिर दोबारा। नेल आर्ट का डायरेक्टली कैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नेल में ही जाना है, जबकि यहाँ कोई स्कोप भी नहीं था उस टाइम पे? अगर मैं बात करूँ वो ना, जब हम जैसे हम दिल्ली में रह रहे थे तो वहाँ एक हैबिट हो जाती है कि हमें नेल्स करवाने ही करवाने हैं। वहाँ तो बहुत है, तो मेरे को एक हैबिट हो गई थी कि मुझे करवाना है। फिर जब मैं करनाल आ गई तो मुझे था कि यहाँ तो है ही नहीं। अब बंदे को होता है ना कि एक जो चीज़ हम कंटिन्यू करवाते हैं उसको करवानी करवानी है, तो वो सब नहीं था। तो मैंने सोचा कि ना मैं ही सीख के यहाँ पे एक बार ओपन करूँ। तो फिर मैंने वहाँ जाके कोर्स करा, फिर मैंने फिर मैंने वहाँ जाके दोबारा सीखा और फिर यहाँ के अपने उसके बाद से। तो कितने टाइम का कोर्स आपने वहाँ पर किया था? वहाँ पे मैंने 3 मंथ्स का कोर्स करा था। 3 मंथ्स का कोर्स किया, पूरा 3 मंथ्स। एक चीज और, कुछ चीजें पर्सनल लाइफ के बारे में जरूर हम इस शो में बात करते हैं, और वो भी जानना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ टाइम बाद आपके फादर नहीं रहे, तो आपने अपने घर को भी संभाला, तो उस दौर में कैसे चीज़ों को हैंडल करा, बींग ए गर्ल आपने इन चीज़ों को कैसे संभाला? देखो, पता है क्या होता है, जब हमें पता होता है कि हमें ना सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें खुद ही उठकर सब कुछ करना पड़ता है। जब फादर थे वो काफ़ी बीमार वगैरह हो गए थे ना, तो उसके बाद जैसे उनकी डेथ हुई तो फिर मुझे लगा कि अब तो कोई है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए। तो वैसे ही जब मैं यहाँ नेल्स करवा रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं अब तो इसी को कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। तो बस ऑप्शन नहीं था कोई, और ठीक है मॉम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज ये सब है। तो बस जब हमें लगता है ना कि हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, तो हम खुद को ही उठ के चलना पड़ता है। तो वो चीज़ रास्ता होता है, तो हम शायद ज़्यादा फोकस करके उसको काम कर पाते हैं। इवन आप मानोगे नहीं कि आपको खुद को ही पता, जब लड़की घर से बाहर निकल जाए, इवन दिल्ली जैसे शहर में, वो कभी वापस आ ही नहीं सकती। वो वापस आ ही नहीं सकती। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वापस नहीं आ सकती है। वापस कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है कि लोग बाहर निकलने के बाद करनाल जैसे शहर से जब दिल्ली गुड़गांव जाते हैं, तो लोग जिस मोटिव से जाते हैं शायद वो मोटिव भूल जाते हैं, वहाँ दिक्कतें आती हैं, और उसके बाद बहुत पछतावे के साथ लौटते हैं। लौटते तो ज़रूर हैं, लेकिन अच्छी बात आपके साथ ये रही, आपने अपने आप को ऐसा बनाया कि यहाँ कुछ सीख कर कोई स्किल लेकर आए, और जिसके साथ आप आगे बढ़ते रहे। अब आपकी सिस्टर भी है आपके साथ? हाँ जी, वो कैसे आना हुआ?
बेसिकली ये था कि पहले तो मैंने ही सीखा था, मैं ही इसको कंटिन्यू कर रही थी, तो वो मेरे साथ बैठती थी जैसे, उसको नहीं आता था, बट धीरे धीरे उसी को ही लाइक क्रेज हो गया कि ना मुझे भी करना चाहिए. बट वही है कि उसने मेरे से तो सीखा नहीं, वही होता है ना, बच्चा कभी अपनी मम्मी से तो पढ़ता नहीं है, बाहर ही ट्यूशन जाता है. तो फिर यही था कि फिर मैंने ही अपनी एक टीचर हैं दिल्ली में चैरी जोन, तो उन्हीं से मैंने उनको कोर्स करवाया. अच्छा, प्रॉपर कोर्स करवाया. हाँ जी, फिर उन्होंने यहाँ के मेरे साथ पूरा हैंडल करती हैं, वो साथ बैठती हैं, हम दोनों ही स्टूडियो चलाते हैं लास्ट 5 ईयर से. हाँ जी, हम दोनों चला रहे हैं स्टूडियो लास्ट 5 ईयर से, ये कर रही हैं. हाँ जी, हाँ जी. अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि पीछे से कुछ दिनों से यहाँ पर कुछ सालों से आप सिखाना भी शुरू कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि एक चीज़ कि जैसे कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं उसका एक्सपीरियंस अलग होता है और सिखाना उसका एक्सपीरियंस अलग होता है. सिखाने का एक्सपीरियंस अभी 2 ईयर से ही हुआ है, हमने अभी सिखाना स्टार्ट करा है. पहले इतना नहीं था, पहले हमारा क्लाइंट्स की तरफ ही ज़्यादा रहता था. बट ठीक है, हम स्टूडेंट्स को सिखा भी रहे हैं. इवन पहले ही स्टूडियो हुए था, स्टूडेंट्स ने ओपन भी कर लिया करनाल के अंदर स्टूडियो. अब हमारे पास फॉरेन के स्टूडेंट्स आ रहे हैं 4-5, उनका बैचेस चलते रहते हैं इवनिंग का मॉर्निंग का, तो वो सब कैनेडा के स्टूडेंट है. इवन सिखाने का स्कोप भी बहुत अच्छा है यहाँ पे. मैं तो कहती हूँ कि आप स्कोप है, मींस नेरार्ट का जब आपने शुरू किया तो शायद उतना नहीं था. नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि शायद बंद कर देते 1%. लेकिन फिर भी आपने उसको कंटिन्यू किया. लेकिन अगर हम कुछ सालों बाद आज हम देखें तो यहाँ ऐसा एक माहौल बन गया है कि सीखने वाले स्टूडेंट भी काफी हैं और जो वर्किंग है या लोगों में भी काफी अवेयरनेस आई है. तो लोग किस किस तरह के नेल आर्ट आपके पास डिमांड लेके आते हैं? आप मानोगे कि मतलब स्टूडेंट लाइक जब क्लाइंट आते हैं ना, तो अपनी फोटो साथ ही लेकर आते हैं कि हमें ऐसा चाहिए. और टचवुड, मेरा यही पर्पस रहता है कि मैं उनको एज इट इज सेम करके ही देती हूँ. मींस कि गूगल सबके पास है, उसकी रेट में सबके पास है, सब इंस्टाग्राम पे इसके डिजाइन देखते रहते हैं, अपना डिजाइन लेकर ही आते हैं. मुझे इसी चीज से खुशी होती है कि कोई अपना डिजाइन लेकर, क्योंकि मैं जब ढूंढने बैठती हूँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. क्लाइंट्स की डिमांड है, उनकी अकॉर्डिंग आप वर्क दोगे तो ऑब्वियसली बात है क्लाइंट भी खुश होता है. अगर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सालों से कर भी रहे हैं और नो डाउट आपका बहुत अच्छा नाम भी चल रहा है इस, और जो नए स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं कोई भी स्किल स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि गर्ल्स को किस सब्जेक्ट को पिक करना चाहिए, किस स्किल को पिक करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए? स्टडी के बाद तो मैं नहीं करूंगी. स्टडी के बाद मैं जैसे ये बात करना चाहूंगी कि वर्किंग के लिए स्पेशली. कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ सीख लेते हैं शायद वो लाइफ में यूज नहीं हो पाता है. नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखो, अगर स्टडी है तो उसको कंटिन्यू रखो. अगर आपका नहीं है जैसे ध्यान, तो आप एक, मैं गर्ल्स के लिए ब्यूटी लाइन बेस्ट है ना, उसको आप कंटिन्यू रखो. ब्यूटी में भी कई सारे अब तो पार्ट्स आ गए हैं, हेयर का अलग है, मेकअप अलग है, नेल का जैसे कि आप अलग कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं. उसमें आप कोई भी लाइन पकड़ लो, बट उसको कंटिन्यू रखो, उसको छोड़ो मत. ठीक है, गर्ल्स के लिए बेस्ट है. अगर आपने स्टडी नहीं करनी है तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है. अगर आप बाहर जा रहे हो और आप ब्यूटी लाइन यहाँ से करके जा रहे हो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है. बहुत ज्यादा ये देखा जा रहा है कि काफी बच्चे स्पेशली गर्ल्स भी आउट ऑफ इंडिया, या तो उनके रिलेटिव है या कोई ना कोई है, और जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है. हाँ, तो उस केस में ये ज्यादा एक बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ से करके जा रहे हैं, वहाँ पे आप जॉब भी करो, इवन ब्यूटी लाइन यहाँ से करके जा रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो, तो इवन आपको भी बेनिफिट है, फैमिली को भी बेनिफिट है, अगर मैरिड है तो हस्बैंड को भी बेनिफिट है, कहीं ना कहीं एक सपोर्टिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और खुद भी आप इंसान बिजी. और इवन मैं तो यही एक ही बात सबको कहती हूँ, खुद से भी, कि भाई गर्ल्स को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए. ठीक है, मतलब चाहे मैरिज से पहले हो चाहे मैरिज के बाद हो, इसको कंटिन्यू रखना ही चाहिए, इसको कोई छोड़ो ही मत. मैं तो बिल्कुल ही छोड़ने वाली. अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली. अब क्यों, अब ऐसे मैं तो क्यों छोड़ेंगे? रखना चाहती हूं कि नहीं कहूंगा कि अब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे. क्योंकि जो दौर था, कहीं ना एक तकलीफों वाला समय जब चल रहा था, वो जब उस दौर में आपने सर्वाइव किया, तो अब तो फिर भी चलिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए. जब भी मैं सभी अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग हैं, कई बार ऐसी जिंदगी में परिस्थिति आती है जब हम शायद हताश और निराश हो जाते हैं कि चीजें हमें लगती है शायद ये नहीं चलेगी या ये काम नहीं कर पा रहा है उतनी तरह से, हम जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कि बहुत अच्छे से हम कर लेंगे, शायद वो कई बार नहीं भी हो पाया, बट वो सिर्फ एक टाइम का कह सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो टाइम ऐसा है. जैसे कि अभी कोविड की हम बात करें, कोविड में काफी दिन बंद रहे, सब कुछ बंद रहे थे, बट हमारा प्रोडक्ट हमारे घर में था, हम लेकर गए थे, हमारे क्लाइंट्स हमारे घर पे ही आ रहे थे. ऐसा वर्क है, क्योंकि ये वर्क ऐसा है, मैंने आपको बताया ना कि जब मैं दिल्ली में थी एक हैबिचुअल हो जाता है बंदा, ऐसे ही करनाल में काफी क्लाइंट्स बन चुके हैं. करनाल में भी ऐसा हो चुका है. इवन लॉकडाउन में भी मैंने अपने घर पे भी सर्विस दी है और क्लाइंट्स के घर पे भी जाके सर्विस दी है, जो कि हम कभी नहीं देते, बट हमने तब भी दी, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स परमानेंट है तो हमें सर्विस देनी पड़ती है उनको. बिल्कुल, एक हैबिचुअल हो जाता है. अब ये ऐसा नहीं रह गया ओकेजनली
रहे हैं क्या ये रिपीटेडली लोग नॉर्मल डेज में भी ले रहे हैं? नॉर्मल डेज में भी ले रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना कि एक हैबिचुअल बन चुका है कि नहीं कॉलेज गर्ल्स आ गई उनको तो कंटिन्यू चाहिए ही चाहिए, इवन काफी सारे क्लाइंट्स परमानेंट बन चुके हैं। बाकी ओकेजनली आता है, अब इसे आगे करवा चौथ आने वाला है, राखी का फंक्शन था, इस पे भी चलता ही रहता है, बट वैसे भी नॉर्मली क्लाइंट्स करवाते हैं। मेहंदी के साथ साथ मतलब नेल आर्ट का भी हो चुका है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जो स्टूडेंट आपके पास सीखने आते हैं तो किस तरह के कोर्सेज आप कराते हैं, क्या टाइम पीरियड रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा मॉर्निंग बैच रहता है 11 टू 2 o'clock और एक हमारा इवनिंग बैच रहता है 3 टू 5 o'clock। तो हमारे पास 2 बैचेज हैं और एक इंटरनेशनल बैचेज है, एक विदाउट इंटरनेशनल बैचेज है। तो जो भी वो आप करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर, मैं नंबर आपका शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप नंबर देख सकते हैं। तो आपको अगर कोई नेल आर्ट से कोई वैसे भी जानकारी चाहिए, कुछ सीखना है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी लाइव करने में आपने मुझे इन्वाइट करा। थैंक यू सो मच।